विष्णुदेव साय ने बम्पर जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने बीजेपी की नीतियों में भरोसा जताया है। के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। रायपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल को जीत मिली। उन्होंने विकास उपाध्याय को मात दी और जीत के लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद अदा किया। जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा रही है और फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, तो सीधे उनसे ही बात करते हैं। बृजमोहन जी, बीजेपी के पक्ष में माहौल है, क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत गई है और मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय आने तक 11वीं सीट भी बीजेपी जीत जाएगी। एनडीए और नरेंद्र मोदी जी बहुमत के साथ में दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की परिकल्पना को भी हम साकार करेंगे। अच्छा, रिजल्ट आने के पहले ही आपकी अग्रिम बधाई की पोस्टर्स लग गई थी। जो जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद रहा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत रही है, उससे उनको कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे ही नहीं, जीतने का एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे और वही रिकॉर्ड यहाँ की जनता ने बनाया है और उनका जो विश्वास है वो अब ईवीएम जब खुली तो उसमें भी सार्थक सिद्ध हुआ है। लगातार आप 8 बार विधायक रहे, अब सांसद चुने गए, जीत का श्रेय जनता को है और कार्यकर्ताओं को है और हमारी पार्टी को है और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व को और उनके कृतित्व का। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए रायपुर लोकसभा सीट से कैंडिडेट बृजमोहन अग्रवाल जी मौजूद हैं, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, रायपुर। और छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। महेश कश्यप को 54,000 से ज्यादा मतों से जीत मिली है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा को मात दी है। महेश कश्यप ने अपनी जीत को मोदी सरकार की गारंटी बताया और कहा कि अब बस्तर की आवाज सदन में गूंजेगी। बस्तर की सबसे गंभीर समस्या नक्सलवाद का जल्द खात्मा होगा और बस्तर शांत होगा। बस्तर लोकसभा सीट से महेश कश्यप ने जीत हासिल कर ली है और ये पहुंचे लगभग 50,000 से अधिक मतों से महेश कश्यप जीते, हमारे साथ मौजूद है। महेश कश्यप जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कैसा रहा पूरा चुनावी समीकरण, कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा रहा। हमारे बस्तर के सभी मतदाताओं के ऊपर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और बस्तर के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जिनके बदौलत आज मुझे जीतने का अवसर मिला है और मुझे जीत दिलाया और आदरणीय मोदी जी का गारंटी के ऊपर पूरे देश के लोगों को भरोसा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपके सामने कवासी लखमा थे। देखिए, कवासी लखमा हमारे सामने कोई चुनौती नहीं थी। कवासी लखमा के बारे में आप जानते हैं, एक अनपढ़ गवार व्यक्ति, कभी पुलिस को तीरधनुष मारने की बात करता है, कभी कलेक्टर को कालर पकड़ने नेता बनोगे बयान देता है, कभी मोदी जी को लाठी मारने की बात करता है, जिसके चलते हमारे सुकमा जैसे क्षेत्र में अच्छे पढ़े लिखे जो युवा हैं, जिनके कारण वहाँ के युवाओं को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, उनका क्षेत्र का छवि धूमिल हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने वहीं से कवासी लखमा खड़ा दिया है और उनको सबक सिखा दिया। बस्तर के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, आप दिल्ली जाएंगे क्या? देखिए, बस्तर आज़ादी के 77 वर्ष के बाद जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है वो पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा और नक्सलवाद भी है। हाँ, नक्सलवाद के चलते हमारे लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वो ना पड़ा है, उसको हम पूरा करेंगे और 3 साल के अंदर हमारे SSP गृहमंत्री ने उनको खात्मा करने का उनको संकल्प लिया है और उसको खात्मा करेंगे और यहाँ बस्तर को शांति स्थापित कर बस्तर में शांति स्थापित करेंगे। तो ये थे महेश कश्यप और इन्होंने दावा किया है कि अब ये जीत के जो दिल्ली पहुँचेंगे, सदन में पहुँचेंगे और स्वाभाविक है बस्तर की जो आवाज़ है दिल्ली में उठाएंगे, दिल्ली बस्तर की जो समस्या है उसको पूरी तरह से सदन में आवाज़ उठाएंगे और खासकर नक्सलवाद जैसे गंभीर समस्या को जल्दी खात्मा करने की बात कही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, बस्तर। और यहां वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप।